बड़ी खबर इस वक्त की, सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट मामले में 9 नवंबर को सुनवाई करेगा। आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।